हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आईटीआई के रिजल्ट्स को लेकर। और दोस्तों, इसी तरीके की जो है लगातार अपडेट्स प्राप्त करने के लिए दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हो तो आप लोग जो है इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नए अपडेट्स आप लोगों को मिले उनका तुरंत नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 30 मई 2021 को जो है आप लोगों का आईटीआई सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों, एनसीईआरटी वालों की तरफ से इतनी सारी गलतियां की गई है कि स्टूडेंट्स खुद परेशान है अपने आप में। अब यहाँ पे डीजीटी वालों को स्पेशली मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि यार वो ऐसी गलतियां ना करें स्टूडेंट्स के साथ। ऑलरेडी जो है उन लोगों का 2 साल की जगह 3 साल के बाद तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब 1 साल तो कोरोना ने खराब कर दिया, अब 1 साल जो है आप लोग ऐसा रिजल्ट जो है इतना गलत रिजल्ट जारी करके आप लोग 1 साल ऐसे बर्बाद कर दोगे। तो ऐसा ना करके उनका रिजल्ट जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में, जो एनसीटी वाले हैं उनका रिजल्ट, विद्यार्थियों का रिजल्ट जो है एक प्रॉपर वे में और बिल्कुल करेक्ट तरीके से जारी करें, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो भी थोड़ा सा, उनको भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल सके, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि यार हम लोगों के पास अब आईटीआई का डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। अदरवाइज ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो है कोरोना को लेकर परेशान है, अब आप लोग जो है रिजल्ट जो है वो इतना उठपटांग जारी करके उनको फिर हर्ट फील करवा रहे हो एक तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, रिजल्ट जो जारी हुआ था वो ऑलरेडी जो 2018 में एडमिशन लिए थे, 2018 से 2020 वाला ये सेशन था, मतलब 2 ईयर कोर्स वाला रिजल्ट अभी उन्हीं विद्यार्थियों का आया है जिनके पास 2 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स था। 2 ईयर ड्यूरेशन वाला जो कोर्स था उतनी का रिजल्ट आया, मतलब सेकंड ईयर का रिजल्ट आया सिर्फ। अभी कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी दे चुके थे, तो उनका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, ठीक है। जहां तक है शायद 1-2 दिन के अंदर उनका भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब रिजल्ट जो है 30 मई 2021 को जारी हुआ था, लेकिन सर्वर डाउन चलने की वजह से रिजल्ट, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा, रिजल्ट निकल नहीं रहा। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं स्पेशली सजेशन देना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा कि वो ज्यादा टेंशन ना लें, थोड़े समय बाद में जो है रिजल्ट उनका आराम से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग ज्यादा टेंशन ना लें, ज्यादा चिंतित ना हो, ठीक है, रिलैक्स रहें। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में रिजल्ट जारी हुआ तो रिजल्ट के अंदर जो है बहुत सारी कमियां देखने को मिली। मतलब जैसे मान लो मैक्सिमम मार्क्स है स्टूडेंट्स के, मैक्सिमम मार्क्स 650 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 650 में से मार्क्स आ रहे हैं 675, ऐसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। 200 नंबर का कोई पेपर हुआ है, 200 नंबर में से 200 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। 200 नंबर का यदि पेपर हुआ है तो 200 में से जैसे मान लो 225, 250 ऐसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो ये डीजीटी वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं इस 21वीं सदी के युग में, 21वीं सदी के जमाने में और डिजिटल इंडिया के टाइम पे ऐसी गलतियां जो है वो एक तरीके से उचित नहीं है, शोभनीय नहीं है। तो डीजीटी वालों से भी स्पेशली रिक्वेस्ट है, सभी विद्यार्थियों की तरफ से मैं डीजीटी वालों से निवेदन कर रहा हूँ कि वो ऐसी गलतियां ना करें, स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है एक तरीके से प्रॉपर वे में, एक करेक्ट वे में ही जारी करें। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आएगी। जो भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट अभी नहीं निकल रहा है तो वो कुछ समय तक वेट करें, ज्यादा टेंशन ना लें, मानसिक तनाव ना करें, रिजल्ट जो है धीरे धीरे जो है जारी हो जाएगा। और ऐसे विद्यार्थी जिनके मतलब मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा आए तो 100% है उनका रिजल्ट फिर से रिवाइज होगा। तो वो विद्यार्थी भी जो है इसको लेकर ज्यादा टेंशन ना करें, उनका रिजल्ट रिवाइज होगा और सही वे में, करेक्ट वे में जो है उनका रिजल्ट फिर से निकलेगा। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को थोड़ा वो कंफ्यूजन जो आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट ईयर का अभी रिजल्ट नहीं आया, केवल और केवल जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स थे उन्हीं का रिजल्ट आया है, और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट कुछ दिनों के अंदर जारी हो जाएगा। और कई ऐसे बैक पेपर्स वालों का भी पेंडिंग है रिजल्ट, तो उनका भी शायद हो सकता है जारी हो जाए। और कई ऐसे बैक पेपर के वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मतलब एग्जाम से भी लगे ही नहीं थे, तो उनके एग्जाम से सुनने में आ रहा है कि डीजीटी वाले जो है नेक्स्ट मंथ में शायद जून या जुलाई तक जो है उनका नोटिफिकेशन निकाल के उनके एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके की जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स जो है लगातार प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ आईटीआई से संबंधित अध्ययन करने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस को। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।